हेलो, वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। उत्तर प्रदेश में 35,000 खाली पदों पर भर्ती का ऐलान एक महीने पहले ही हो चुका है। अब ऐसे में जो भी छात्र हैं उनको इंतजार है कि आखिर में विज्ञापन कब आएगा, कब वो उसके लिए आवेदन कर पाएंगे और इन सरकारी पदों पर आवेदन करने के साथ यहां पर नौकरी पा सकेंगे। तो ऐसे में जो छात्रों का है वो इंतजार और बढ़ चुका है, क्योंकि 35,000 इन खाली पदों को भरने के लिए सरकार की तरफ से जो इंतजार था वो थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं, पूरी अपडेट है। बढ़ता जा रहा है होम गार्ड विभाग में भर्ती का इंतजार। 35,000 खाली पदों पर यह भर्ती होनी है, जहां पर 20% जो है महिलाओं की भर्ती की यहां पर घोषणा हो चुकी है। यानी कि इन 35,000 पदों में जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है वो महिलाओं को, क्योंकि इसकी जो 20% सीटें हैं वो केवल महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। और इसके लिए विभागीय जो मंत्री जी हैं उन्होंने इसके लिए ऐलान कर दिया है, वादा कर लिया है कि हम 20% जो हिस्सा है वो महिलाओं के लिए रखेंगे और 35,000 कुल होमगार्ड की यहाँ पर भर्ती करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्यालय स्तर या पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से जो भर्ती कराने का प्रस्ताव है उसे लगभग यहाँ पर मंजूरी प्राप्त भी हो चुकी है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो उच्च स्तरीय रुकी हुई है। जी हाँ, लेकिन जो प्रस्ताव है वो उच्च स्तरीय मंजूरी के लिए रुका हुआ है। जैसे उच्च स्तरीय अधिकारियों की जो मंजूरी है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि मई के आसपास ये जो भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन है वो आप देख पाएंगे और इसमें आवेदन कर पाएंगे और नौकरी को आप पा सकते हैं। तो विज्ञापन या इसकी भर्ती कि अलग कोई जानकारी आती है तो हम आपको जरूर इसके बारे में जानकारी लेंगे और आपको देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा और थोड़े इंतजार के बाद यह भर्ती प्रक्रिया जल्द पूर्ण होने वाली है।